हेलो गाइस, न्यू व्लॉग में स्वागत है। गाइस मैं हूँ इकफर, और देख सकते हैं गन्ना कितना ऊंचा गन्ना। गाइस देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऊंचा गन्ना। और गाइस मैं उतार रहा हूँ इसके पत्ते जो कि काफ़ी ऊंचे पे, देख सकते हैं जी। इसकी 8-10 फुट लंबाई हो चुकी है गन्ने की। गाइस जैसे कि देख सकते हैं, इधर मैं उतारता हूँ पत्ते, इस तरीके से उतरते हैं पत्ते। इसका होता चारा, देख सकते हैं गाइस गन्ने का उतरता है, जो कि इसका चारा बन जाता है गन्ने का। जैसे गाइस ये उतार चुका हूँ मैं इतने, ये देख सकते हैं, और दिखाऊंगा आपको। जैसा कि गाइस देख सकते हैं, ये पत्ता है इस पर, ये देख सकते हैं गन्ना का अंदाजा लगा सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर कितना ऊंचा गाइस, काफ़ी ऊंचा। और देख सकते हैं ये इधर, ये भी मकान में आए पत्ते, पहले इसके पत्ते उतार लेते हैं गाइस, फिर करते हैं बात और बताते हैं इस गन्ने के बारे में किस तरीके से होता है गन्ना इतना ऊँचा। फाइनली गाइस मैंने उतार लिए पत्ते, और गाइस अब गन्ना के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं गन्ना काफ़ी ऊंचाई तक है। गाइस इसे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस जैसा कि देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है, आप देख सकते हैं ज़्यादा लगा सकते हैं ये कितनी ऊंचाई है इसकी। और देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गन्ना, क्योंकि ये गन्ना काफ़ी ऊँचा है। और इसके बारे में बताता हूँ गाइस आपको। साथियों जैसा कि देख सकते हैं, 38 प्रजाति का गन्ना, और गाइस ये 38 प्रजाति का गन्ना, और देख सकते हैं ये गन्ना काफ़ी ऊंचा। और गाइस ये देख सकते हैं, क्योंकि 1 साल में आता है तैयार होके गाइस, ये गन्ना किसान के लिए बहुत अच्छा। गाइस ये काफ़ी ऊंचाई लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं आप देख कर, और देख सकते हैं ऊपर तक इसमें गाइस गन्ना ही गन्ना, जो कि किसान के लिए पैसा ही पैसा गाइस इसमें। और ये अंदाजा लगा सकते हैं 38 गन्ना के प्रजाति है ये, जो कि किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद गन्ना है गाइस। ये गन्ना हर किसान को बोना चाहिए जो कि खेती करते हैं गाइस, जो कि ये गन्ना बहुत अच्छा है और पैदावार इसकी अच्छी है गाइस। और देख सकते हैं ये इधर, ये भी गिर चुका था और हमने बांध दिया है ये गाइस। साथियों ये गाय, ये गन्ना जो ये कम से कम 70-80 क्विंटल बीघे का निकलता है, जो कि अच्छा हो जाता है। जैसा कि इस तरीके से ऊंचाई देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये काफ़ी सारे मेंढे बंधे हुए हैं, जो कि मैंने ही बांधे थे गाइस। ये देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई है इसकी, जो कि मेरा भी हाथ हाथ नीचे रह जाएगा गाइस, जो कि बहुत ऊपर तक है ये अभी। जैसा कि गाइस ये गन्ना काफ़ी अच्छा किसान के लिए, और किसान भाइयों को ये गन्ना बोना चाहिए क्योंकि अच्छा है गाइस। जैसे किसान भाई देख सकते हैं ये गन्ना बहुत अच्छा है, जो कि मैं हूँ खेत पर, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है मुझे गाइस। मैं रियल बात बता रहा हूँ, कोई झूठी कोई अफवाह बात नहीं बता रहा हूँ गाइस। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं ज़्यादा लगा सकते हैं आप, क्या बेहतरीन गन्ना गाइस। साथियों ये देख सकते हैं बिना बंधा हुआ गन्ना, जो कि काफ़ी बड़ा है, मैं कि काफ़ी दूर हूँ, और ये कम से कम बहुत घना है, और ये गन्ना बहुत अच्छा है पैदावार में। किसान भाइयों को यही बोना चाहिए, ये गन्ना 38 है, मैं हर बार बता रहा हूँ, ये गन्ना बो के देखें एक बार, बहुत अच्छा गन्ना है। साथियों मेरा स्टूडियो यही है, बस ऐसे ही बताता हूँ गाइस। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।